ये तस्वीरें हैं जोलाना की। पिछले कई सालों से लोगों का संकट काटने वाले जैजवंती के पास बना गोविंद धाम खुद संकट में आ गया है, क्योंकि गोविंदा धाम का निर्माण सरकार से सीएलयू लिए बगैर ही किया गया है, जिसके चलते जहां एक तरफ जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, तो वहीं अब गोविंद धाम पर डीटीपी का पीला पंजा आज चलाया गया। जिला योजनाकार द्वारा पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि गांव जैजवंती के पास जींद रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 352D पर जैजवंती गांव के पास गोविंद धाम बनाया हुआ है, जो कि बिना सीएलयू के यह अवैध निर्माण है, जबकि गोविंद धाम का निर्माण करने से पहले प्रशासन से सीएलयू लेनी चाहिए थी, लेकिन जिला योजनाकार की बिना किसी परमिशन की खेती के ज़मीन पर यह निर्माण किया गया है। डीटीपी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो आश्रम है ये विदाउट सीएलयू है, सीएलयू नहीं ले रखा। डीटीपी साहब ने कंप्लेंट दी थी, कंप्लेंट के बेस पर एफआईआर भी दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इनको थोड़ा सा टाइम मिला है इनका, तो अभी कोई इस टाइप के कोई कोर्ट के या हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गोविंद धाम पर पीला पंजा चलाया गया। खेती की ज़मीन पर बिल्डिंग बनाने के लिए सीएलयू लेने की आवश्यकता होती है, इसके लिए टैक्स जमा करवाना होता है। गांव जैजवंती के पास बने आश्रम पर आज पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी इस धाम पर होना था, लेकिन सीएलयू पास ना होने की वजह से अब आश्रम के निर्माण को ढहा दिया गया है और खेती के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रशासन किस तरह से बनाए गए विशाल काय दरबार और उसकी चार दीवारी को ध्वस्त करते हुए। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। भगत भी वहां से आनन फानन में निकलते हुए नजर आए। भारी अमले के साथ प्रशासन वहां पहुंचा था। पहले निर्माण हुआ और उसके बाद ध्वस्त कर दिया गया। काफी नुकसान आश्रम को भी हुआ है और ठेस भक्तों को भी पहुंची है। ये देखिए, दो जेसीबी मशीनों के द्वारा पीले पंजे का कहर, जिसे पूरी तरह से आश्रम को तोड़कर समतल कर दिया गया है। जुलाना से हमारे संवाददाता अनिल सोलंकी ने एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हमें भेजी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आश्रम की एक एक ईंट जो है निर्माण की गई थी, उसे गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। भारी नुकसान आश्रम को, लेकिन बड़ी खामी कि सीएलयू नहीं लिया गया था।